लास्ट लेसन में आपने रिएक्ट की फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा समझा और ये जाना कि कैसे रिएक्ट हमारे जो वेब ऐप डिज़ाइन प्रोसेस है उसको सिंपल और ऑर्गेनाइज्ड बना सकता है। इस लेसन में हम रिएक्ट की एक वेबसाइट देखेंगे और उस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले आपको अपने अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो एक रिएक्ट डेवलपर टूल्स करके एक एक्सटेंशन आता है जिसे आपको अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए बस आप गूगल पे रिएक्ट डेव क्रोम एक्सटेंशन सर्च कर सकते हैं और जो सबसे पहला लिंक आएगा उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ऐसा एक लिंक खुलेगा जिसे आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो आपके ब्राउज़र पे एक लिंक आएगा, ये देखिए, जिसे रिएक्ट डेवलपर टूल्स खोलेंगे और ये लिंक आपको उन वेबसाइट्स पे एक्टिव दिखेगा जो रिएक्ट के यूज़ से बने हैं और जो वेब एप्स रिएक्ट के यूज़ से नहीं बने हैं उसमें ये इनएक्टिवेटेड होगा। उसके बाद आप इस रिएक्ट डेवलपर टूल्स इंस्टॉल करने के बाद एक इस वेबसाइट पे जाइए जिसका नाम है reactjs.org। रिएक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुछ रिएक्ट के कंपोनेंट्स डिज़ाइन किए हुए हैं। जैसे ये एक सिंपल कंपोनेंट है बस जिसमें हेलो टेलर लिखा हुआ है। ये एक कंपोनेंट है जिसमें हम इस वेबसाइट पे कितनी देर से हैं वो सेकेंड्स जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। वैसे ही ये वेबसाइट एक टू डू एप्लीकेशन है जिसमें हम टास्क लिख सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। और सिमिलरली ये एक मार्कडाउन प्रीव्यू करने के लिए एक एप्लीकेशन है जिसमें हम यहाँ पे जो भी लिखें वो हम मार्कडाउन में प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इटैलिक्स हो गया। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं इस वेबसाइट पे, रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। और हम इसको रिएक्ट डेवलपर टूल्स से इंस्पेक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि क्रोम में डेवलपर टूल्स होते हैं जिसे हम कंट्रोल शिफ्ट आई यूज़ करके देख सकते हैं। तो डेवलपर टूल्स के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट की HTML, JavaScript और CSS रेंडरिंग जो होती है वो हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बट रिएक्ट डेवलपर टूल्स इंस्टॉल करने के बाद आप हमारे पास एक नया टैब ऐड होता है रिएक्ट, जिससे हम वो रिएक्ट में कैसे डिज़ाइन हुआ है वो भी हम देख सकते हैं। तो चलिए हम जो इस वेबसाइट को खोल के हम इनके कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ हेलो मैसेज करके लिखा हुआ है। तो ये देखिए बिल्कुल हेलो मैसेज नाम से एक एक कंपोनेंट बना हुआ है और वो ये काम करता है जो यहाँ पे हेलो मैसेज कर रहा है, बस एक हेलो टेलर को डिस्प्ले करता है। ऐसे ही अगर आप नीचे जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइमर नाम का एक कंपोनेंट है। ये देखिए जब हम टाइमर पे क्लिक करते हैं तो ये जो कंपोनेंट है वो एक्टिवेट हो जाता है, टाइमर नाम का कंपोनेंट है। और ये देखिए ये क्या करता है, ये बस, और ये देखिए ये डायनेमिकली चेंज हो रहा है। तो ये बस हमने वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड किया वो इसे चेंज कर रहा है। आप यहाँ पे टू डू ऐप भी देख सकते हैं। टू डू ऐप में टैग्स हैं टू डू ऐप के और सिमिलरली जो है वो आप मार्कडाउन रिव्यूअर भी देख सकते हैं। देखिए मार्कडाउन एडिटर जिसमें कोई भी मार्कडाउन टेक्स्ट है उसे हम प्रीव्यू करते हैं। फिलहाल इसके हम अभी क्लोज कर देते हैं। अगर आप यहाँ साइट में देख रहे हैं तो आप टाइमर देखिएगा तो इसके यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉप्स और स्टेट करके कुछ प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं टाइमर की, और देखेंगे ये स्टेट ये चेंज हो रहा है हर सेकेंड। सिमिलरली अगर आप टू डू ऐप देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि इनका कुछ स्टेट है इन टर्म्स ऑफ आइटम्स एंड टेक्स्ट। सिमिलरली हेलो मैसेज में कुछ प्रॉप है जिसमें नेम टेलर है। तो हम इन सब के बारे में जानेंगे कि ये कैसे, इनका मतलब, प्रॉप्स एंड स्टेट्स का मतलब क्या होता है और हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं रिएक्ट में। बट फिलहाल
मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे वेबसाइट्स ढूंढें जो रिएक्ट के यूज़ करके बने हैं, और रिएक्ट डेवलपर टूल्स यूज़ करके उनको इंस्पेक्ट करें और उनको देखें कि वो कौन से कंपोनेंट से बने हैं और उनके स्टेट्स और प्रॉप्स क्या हैं।